नाले अलख जे मेड़ो तार मुहिंजो ओ नाले अलख जे मेड़ो तार। तकरीबन हर साल हम कोशिश करते हैं कि इस असीम शहीद अमर भगत कंवर राम के जो है बरसी में हम उनके शहादत की जगह पे इकट्ठे होके उनको खराज तहसीन पेश करें। कादा है प्रोग्राम आ पता रुकी स्टेशन सही मुझे कजन आ मीडिया में कम कंदवा डॉन न्यूज़ में औजार दिस सरोदा ऐसा आज प्रोग्राम थायवा भगत राम शहीद भगत राम मेले ते वजन आयो ओने करे ता बे सना गद जो ता के बैठ लिखा नहीं इन करे सिंधी में ठायो दा जो ये सिंधी अजीम शायर हो सूफी शायर हो जैसे करे ही दा को सिंधी में अचो असा गड सफर कर तुम भी मेरा नाम अली शेर है और मैं बायकास्ट कीरे हुई हूँ। तारुशाह सिंध का मशहूर शहर है जहाँ मशहूर गायक मास्टर चंद्र मूसीकार भी थे, गायक भी थे और जो है ना शायर भी थे। उनके गांव से आया हुआ हूँ तो तकरीबन हर साल हम कोशिश करते हैं कि इस असीम शहीद अमर भगत कंवर राम के जो है ना बरसी में हम उनके शहादत की जगह पे इकट्ठे होके उनको खराज तहसीन पेश करें। तो आज हम इस सिलसिले में इकट्ठे हुए हैं और ये पूरी सिंध से काफ़ी जगहों से लोग आए हुए हैं
कराची से लेकर काफ़ी जगहों से, हैदराबाद, नवाबशाह, सांगढ़ से लेकर सारे इलाकों से, सब हर इलाके से नुमाइंद किए और ये लोग आए हुए। ये तकरीबन इनको 81 साल जो है हो गए हैं, गुजर हो गया उनका। तो उसका तो पस मंज़र मैं आपको बता दूं कि उस टाइम पे मज़हबी इंतहा पसंदी के वजह से सखर में आए थे ख़रीदारी के लिए, तो उनका जो है ना मकामी जो लोग थे, दुकानदार थे, वो ज़ाहिर हिंदू कम्युनिटी से थे, उनका झगड़ा हो गया, फिर उनको जो है ना मार पिटाई भी हुई। तो उसके रिएक्शन में उन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई उनका जो है ना बड़ा जहन, बड़ा फनकार जो है ना शहीद कर दे, ताकि जो जिससे फसादात भड़क उठे और हमारा मकसद पूरा हो। लेकिन शुक्र है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। लोगों में गम और गुस्सा तो था, लेकिन उन्होंने उसको अपने मोहब्बत में तब्दील कर दिया। सतायो दुनिया जे दर्दन ओ मुहड़ो मटायो मिटने माए टने करबा जमानियते करनिया जगोलियते दे दीदार पहिंजो दे दीदार पहिंजो सदके धणिए जे बेड़ो तार मुहिंजो ओ नाले अलख जे बेड़ो तार मुहिंजो ओ सदके धणिए।